कोई शराब पी के आपके घर में आएगा आपका घर वाला कोई अगर शराब पी कर रहा है आपको एंट्री देंगे उसे ठीक कर देंगे कि नहीं करेंगे कोई जना की तरफ जाए उसे रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे अब ये जुबान की बुराइयों में मुलवस है लोग क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग क्यों नहीं रोक रहे हैं ये हमारा माशरा बिगड़ गया है इस चीज की बुराई की वजह से जुबान बेहतरीन चीज है खजाने कमा कमा के दे सकती है बिगाड़ भी सकती है कल कयामत के दिन नीकियों से पेमेंट करना पड़ेगा तब जाके समझ आएगी कयामत के दिन अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम की हदीस है कि लोग जिनके ऊपर जुल्म किया गया वो आएंगे इंसाफ का दिन है खबर मिल जाएगी ना सबको इंसाफ हो रहा है अब सब इंसाफ मांगेंगे अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी इसने मुझ पर जुल्म किया था इसने मुझसे लोन लिया था वापस ही नहीं दिया इसने फला गलत काम किया था इसने फला गलत काम किया था अब सब लोग आएंगे अब उनका पेमेंट होगा अब पेमेंट कहाँ से करेंगे पैसे तो है नहीं हमारे पास वो तो दुनिया में छोड़ के जाएंगे ना कोई भी रुपये पैसे डॉलर वगैरह लेके तो नहीं जाता है पेमेंट कहाँ से करेंगे कुछ है ही नहीं हमारे पास लेकिन हाँ निकिया है और नेकियों की तो शॉर्टेज है हर किसी को ज़रूरत है जर्रा जर्रा गिना जा रहा है अब नेकियों में से पेमेंट करना पड़ेगा नेकियों में से पेमेंट कर रहे हैं कि इन्होंने मेरी की थी अब पेमेंट होगा ये लो तुम्हारा पेमेंट इन्होंने मुझे मारा था तुम्हारा पेमेंट इन्होंने मेरे मुताल ये चुगलियां की थी ये झगड़ा लड़ाया था ये लो पेमेंट अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऐसा शख्स जो आएगा क्यामत के दिन नेकियों का पहाड़ लेकर लेकिन ये सब लोगों को परेशान किया होगा अब उन सब के पेमेंट्स किए जाएंगे उसकी नेकियों में से और आखिर में सीन ये होगा कि उसके पास सारी जो नेकियां पहाड़ के बराबर थी सब के सब जीरो हो गई खत्म हो गई पेमेंट कर करके और फिर आखिर में क्या होगा और भी लोग आ रहे हैं अब क्या किया जाएगा अब गुनाह जो उन लोगों ने किया है वो लोगों ने गुनाह किया उसने चोरी की थी उसने जना किया था उसने कोई गलत काम किया था उसका गुनाह इस शख्स पे डाला जाएगा कि तुमने उसका हक लिया अब तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए निकी तो है ही नहीं अब क्या करें अब तुम्हें संभालना होगा उसका गुनाह उसके गुनाह का बोझ तुम संभालोगे अल्लाह इंसाफ़ करेगा सही मुस्लिम की हदीस में ये सब पूरा डिस्क्रिप्शन मौजूद है तो मेरे भाई और मेरी बहनें अभी से ही ख्याल रखें और जो लोगों ने गीबत वग़ैरह किए हुए हैं तो दुनिया में आप उन लोगों के लिए दुआ करिए और सदका वगैरह बहुत करके रेडी रखिए कल पेमेंट जब करना पड़ेगा तो ये सदका अगर हमने किया है कोई नेकी कर रखी है वो नेकी काम आ जाएगी पेमेंट करने के लिए काम आएगी इसीलिए नहीं किए हो तो सदका निकिया करके रखो काम आ जाएगी वो और दुनिया में अगर माफ़ी मांग कर किसी के साथ अगर सेटल कर सकते हैं सबसे बेस्ट दुनिया में सेटल कर लो आखिरत के लिए प्रॉब्लम कंटिन्यू ना रखिए दुनिया में ही अगर हमने किसी के साथ ने नोन कोई चीज़ की तो उससे माफ़ी मांग लें उससे मना लें उसको दुनिया में हदिया गिफ्ट वगैरह देकर सेटल कर ले मैटर को चल जाएगा ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें